देखो क्लास क्लास उधर बैठ के कब मारते रहता है कि जल्दी आएगा नहीं भी आएगा तो अपना काम चालू भी कर देंगे पता है ना। बैठना उसी में, इधर दिक्कत होता है। चेक करो क्वेश्चन है ना। हाँ। बोलो मेरे पापा साथ निकाले दो सबको फास्ट तो जल्दी आ करो, टाइम बचेगा 5 मिनट ज्यादा नहीं तो लेट करता है ना, बैठ के गप मारता है आके। निकाल जल्दी फास्ट बोलो मेरे पापा साथ है क्या तो सबको पता है सर सर माय फादर इज मैरिड। हाँ आई एम मैरिड। चलो वो तो आंसर हो गया ना, आई एम मैरिड। क्या तुम शादीशुदा? आर यू मैरिड? आर यू मैरिड? नो आई एम नॉट मैरिड। आर यू मंस्ट्रक? मंस्ट्रक है या देख लो या देख लिया देख लिया ना, सर को बता देना, सर को बता देना सर ये वो घसकल भी है ठीक से, कहीं नहीं कि आप ही को घसका दे, ऐसा ना दो बार घसकल आ जाएगा तो हम अपने घसक जाएंगे क्या। मूनस्ट्रक है MOONSTRUCK घसकल। हाँ हमको पता है यस आई एम मूनस्ट्रक। ठीक है आफ्टर टुडे डोंट कॉल मी सर, गुस्सा में बोलना ये बात सब एंग्री होकर के। आफ्टर टुडे डोंट कॉल मी, डोंट कॉल मी तो नहीं होगा। हाँ क्या है आज के बाद मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। ठीक है कल से क्लास बंद, कल से क्लास बंद। हाँ आफ्टर टुडे डोंट शो मी योर फेस, डोंट कट अ जॉक विथ मी बिकॉज धीरे 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 हाँ धीरे धीरे डोंट कट अ जॉक विथ मी बिकॉज डोंट कट ए जोक विथ मी, स्पेलिंग को बता दिया कि हाँ बिकॉज आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ गर्ल, दैट टाइप ऑफ गर्ल। आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ गर्ल गर्ल आई एम टू गुड। बोली वाली मतलब अच्छी हूँ। हाँ गुड गुड कर दो काफी है। आई एम टू गुड। आई एम इन मैरिड या आई मीन वेडिंग, वेडिंग बोलो। आई मीन वेडिंग है देखो पढ़ाई लिखा इसका बंद चौपट या भी जा रही अपना शादी कर लेगी तो फालतू में क्लास आती है फिर गजब हाल है। कल से मत आओ। हाँ तो मैं जा रही हूँ तो क्या बनेगा, मैं जा रहा हूँ आई एन जी वाला कॉन्सेप्ट है ना। रहा रही का क्या लगाते हैं आई एन जी, तो जैसे इट है तो ईटिंग, खाना का ईट, खा रहा हूँ का ईटिंग, जाना का जाना का गो, जा रहा हूँ का लिख रहा हूँ बोल रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ आई एम गोइंग। अब आगे जो भी लिखेंगे बोलेंगे वर्ब को तो टू के साथ, कोई भी एक्शन आएगा ना तो टू के साथ आएगा, तो बोलेंगे क्या था क्वेश्चन। हाँ आई एम गोइंग टू मैरी हाँ कर दे तो रखी जाओ चोपा चोपा वेट्स चोपी ठीक है। डोंट मेक अ नॉइज,
डोंट शाउट एट मी. देखो चिल्लाना का क्या होता है, शाउट मींस क्या होता है, चिल्लाना. जिसपे भी चिल्लाएंगे क्या लगा करके, एट लगा करके, ठीक है ना. डोंट शाउट एट मी, मुझ पर मत चिल्लाइए, बिकॉज आई एम नॉट योर सर्वेंट. आई एम नॉट योर सर्वेंट. आई एम नॉट योर सर्वेंट. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, बीच बीच में कहाँ चल जाता है. देखिए समटाइम्स आई फील, टेंस का चीज है, आगे जाके सीख जाएगा, लेकिन कोशिश करो. समटाइम्स कभी कभी का इंग्लिश होता है समटाइम्स. समटाइम्स हिंदी में क्या हो जाएगा, कभी कभी. समटाइम्स आई फील, आई फील. उसके बाद कथी है क्वेश्चन, पता नहीं, आई डोंट नो या गॉड नोज. पता नहीं का इंग्लिश होता है एगो, देखो पता नहीं का दूगो इंग्लिश, पता नहीं का दूगो इंग्लिश. अगर खुद से बनाएगा टेंस में जाकर के, तो ये है आई डोंट नो, ये खुद से बनाया है, क्या नो डब्ल्यू है, खुद से क्या किया है, बनाया है, मेक किया है, ठीक है. लेकिन सर एगो बनल बनाया है, रेडीमेड, हाँ रेडीमेड भी है, रेडीमेड है गॉड नोज. गॉड नोज, गॉड नोज का मतलब भगवान को पता है, भगवान को पता है. उनको तो पते है, तो वेयर लिख देते हैं समटाइम्स, वेयर डज इट गो, समटाइम्स वेयर डज इट गो. हाँ समटाइम्स वेयर डज इट गो. इसका बनेगा गॉड नोज, आंसर बनेगा पता नहीं बीच बीच में किधर चला जाता है, तो गॉड नोज समटाइम्स वेयर डज इट गो. हाँ टेंस का चीज था, डू डज, आगे जाके सीखिएगा, घबराइए नहीं, कोशिश कीजिए. वेयर डज इट गो, हाँ कहीं 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 बेइज्जती कर देता हूँ. बेइज्जत करना क्या होता है, इंसल्ट. डोंट इंसल्ट मी, बोल सकते हैं ना, हाँ मुझे बेइज्जत मत कीजिए. हाय रुक जान रे, बोलो हाय जल्दी कही है, इसको खाली खाने पर ध्यान आता है, जल्दी 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 खाने वाला बात है ना, आ जाओ. डू फास्ट, नहीं नहीं कहने का, हाँ हाँ जल्दी जल्दी. जा रहा था कि रही थी, ठीक है, रहा था रहा या रही थी, आंसर एक ही बनेगा. हाँ आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था है ना, हाँ वो रहेगा तो आई एम, था रहे था आई वॉज गोइंग थ्रू द वे, ऑन द वे, थ्रू द वे कर दो या ऑन द वे कर दो. आई वॉज गोइंग थ्रू द वे एंड ऑन द वे, ठीक है, थ्रू द वे होता, थ्रू द वे एंड एंड ईटिंग भेलपुरी, ईटिंग भेलपुरी. उसे मिर्ची लगी, ही फेल्ट, एहसास करना का फील होता है, फील का दूसरा रूप है फेल्ट. नहीं समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है, हाँ आगे का चीज है, धीरे धीरे. ही फेल्ट चिल्ली, चिल्ली मींस मिर्ची, ही फेल्ट चिल्ली, इसका मतलब हो गया कि उसे मिर्ची लगी तो, हाँ तो है ना, तो का इंग्लिश होता है देन, टी एच ई एल. रुकी ना सब लिखो ना, कम से कम एक दिन में सब समझ आ जाएगा. तो देन, तो हाँ व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू का मतलब मैं क्या करूं.
देखो आई वॉज गोइंग थ्रू द वे एंड ईटिंग भेलपुरी हाँ ही फेल्ट चिल्ली देन व्हाट शुड आई डू चिल्ली मतलब मिर्च मिर्ची व्हाट शुड आई डू और है चलो समझ में आ गया ना जितना पढ़ा है कुछ टेंस वगैरह का था नहीं समझ में आ रहा होगा धीरे 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 ढालते हैं ना गलती होने तो ना टेस्ट लगता तो बुद्धि बढ़ता है हाँ आज के बाद का होता है आफ्टर टुडे पता है ना आफ्टर टुडे डोंट कॉल मी है ना ठीक तो है क्या दिक्कत है तुम्हें डोंट कॉल मी आफ्टर टुडे डोंट शो मी योर फेस बेसिक है मुझे कल कॉल करना कॉल मी टुमारो कॉल करना का क्या होता है तो कॉल करना का कॉल ही होता है ना तो मुझे कॉल करना क्या बोलेंगे नहीं बोलते कॉल मी और कल का क्या होता है टुमारो कॉल मी टुमारो कल कॉल कीजिएगा जाइए नहीं बोलते ना कल कॉल करना जाइए और बोलेंगे कल आना कम टुमारो यू विल बी हाँ आगे यू विल बी तुम हो गए लेकिन आगे बी के बाद कुछ देना पड़ेगा भी वन हाँ दो ना जैसे यू विल बी लो ना आओ हाँ कोई भी डाउट है तो बिंदास दाग दो यू विल बी है ना इसके बाद कोई ना कोई भी वन आएगा वर्ब का सॉरी भी वन भी आ सकता है नहीं नहीं गलती बोल रहे हैं जब भी आएगा इसके बाद तीसरा आएगा क्या आएगा तीसरा पैसिव का स्ट्रक्चर है एक बात और दूसरी बात कोई ना कोई एडजेक्टिव आएगा एडजेक्टिव आएगा क्या आएगा नहीं समझा होगा ये बात नहीं समझा होगा आ जाओ कुछ नहीं यहाँ पे जो भी आएगा जैसे ये आएगा तुमको उदास खुश अच्छा बुरा चोर डकैत कुत्ता बिलाय आप बुझलिए झल्ला का बेवकूफ पुलिस ठीक है पुलिस का मतलब बेवकूफ ना होता है ढल्ला है तो क्या हो गधे ना है आई हैव एडजेक्टिव होगा जैसे बोलेंगे कि तुम खुश हो जाओगे यू विल बी देखो विल बी का यूज करते हैं गागे गी के सेंस में ये बात को समझो क्या बोले तुमको हम विल बी का यूज कब करते हैं गागे सेल विल आएगा मतलब गागे गी है हिंदी में क्या है वो अब देखो अगर खुश हो जाओगे तो बोलना है हैप्पी ठीक है अब जो बदलेगा यहां पे बदलेगा जैसे बोलेंगे तुम खुश हो जाओगे तो क्या बोलेंगे यू विल बी हैप्पी तुम उदास हो जाओगे बोल जरा यू विल बी सैड तुम चोर बन जाओगे यू विल बी थिप ऐसा ना जैसे और बोलो क्या होगा हिंदी साथी चोर वेटरन थिप बोलेंगे तुम सातिर चोर हो जाओगे यू विल बी वेटरन थिप हो जाएगा ना तुम चालाक बन जाओगे यू विल बी क्लीवर तुम ईमानदार हो जाओगे यू विल बी ऑनेस्ट तुम बेईमान हो जाओगे यू विल बी डिसऑनेस्ट होगा ना तो ये जो वोकैब होगा एडजेक्टिव वाला यहां दाग देना इसी को तो एडजेक्टिव बोलते हैं अभी जितना बात तुमको हम बोले हैं बोले ना हैप्पी सैड ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट ये सब क्या है तुमको हाँ ग्रामर बोलता है सबको एडजेक्टिव तो क्या हो गया बोले तो आया समझ ना डायरेक्ट एडजेक्टिव बोलेंगे तो समझ में नहीं आया होगा वोकैब दाग दिए तो समझ में आ गया है ना वो सब एडजेक्टिव था तो क्या दिक्कत नाम है तो नाम दो जैसे तुमको चेहरा से पहचानते हैं पूछो नाम हो हम चेहरा से हमको याद है कि लड़का मैंने यहाँ पढ़ता है हो गया खत्म नाम तो भूते का नहीं याद है हमको तुम खुश नहीं था आ जाओ तो देखो तुमका क्या हो जाएगा यू और थातिथि के लिए वाज वेयर का यूज करते हैं थातिथि के लिए तो यू वेयर होगा यहाँ पे क्या है यू के साथ क्या लगता है आई के साथ वाज लेकिन यू के साथ मना करते हैं तो नॉट लगाते हैं ना नॉट लगाते हैं शुरू में नॉट लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद तो वाज वेयर तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब है जिसके बाद नॉट लगा देंगे यू वेयर नॉट अब क्या था खुश था तो खुश का क्या होता है यू वेयर नॉट हैप्पी वेयर आर यू गोइंग कहा जा छी हाँ यो वेयर आर यू गोइंग ये होगा तरहा रही था ना देखो क्या था तरहा रही में क्या करते हैं किसके साथ
इजमार के साथ, रहा रही में आईएनजी लगाते हैं, भर्ब का चौथा रूप किसके साथ? इजमार के साथ। देखो इजमार भी होगा और बी फोर भी होगा। तुम कहां जा रहे हो क्या बोलेंगे? वेर आर यू गोइंग। तुम क्या कर रहे हो? तो क्या कहा वेर होता है कि वाट होता है? वाट आर यू डूइंग। तुम क्या लिख रहे हो? वाट आर यू राइटिंग। तुम क्या पढ़ रहे हो? वाट आर यू रीडिंग। ठीक है, तुम क्या खा रहे हो? वाट आर यू ईटिंग। आसान है सर, अगर हमको मन हो जाएगा इसका पास्ट करने का, ठाते थी, अभी हाउ बोल रहे थे ना हम, क्या कर रहे हो, क्या लिख रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, तुम्हारा मन हो गया कि क्या खा रहे थे, तुम क्या कर रहे थे, तुम क्या पढ़ रहे थे, तुम क्या लिख रहे थे, तो कुछ नहीं, इजमार है, इसको कर दो वाज वेयर, खत्म। चेक करे, बोलेंगे कि तुम कहां जा रहे थे, तो वेयर आर की वेयर 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 डब्ल्यू आर ई वाला, हाँ ई वाला, वेयर वेयर यू गोइंग, यू के साथ वेयर लगता है, जैसे यू के साथ क्या लगता है? आर ना। तुमसे कोई पूछेगा यू के साथ वाज सही है कि वेयर सही है, कौन सही है बोलो, जाओ ई गलती है, ई सही है, तो यू वेयर बोलेंगे ना। हाँ अच्छा, वाज वेयर का कॉन्सेप्ट दे दे क्या हम पूरा दे दे, हटा क्या दिक्कत, लाओ वही बात, ये सब दाग लो पहले, दागो कॉपी में, चलो आज वाज वेयर का कॉन्सेप्ट दे देते हैं, लो ना क्या दिक्कत, सब तुम ही को देना, आज लो कल लो परसों लो तरसों लो। यू विल बी हैप्पी का हिंदी, तुम खुश हो जाओगे, हाँ लिखना सही से, कॉल मी टुमारो, कल कॉल कीजिएगा, इधर मिठा है इधर, ये बोतल खोज के ला रहे पानी वाला, दिखता नहीं है, भैया ऊपर मिठा है, ये भी छापेगा, ये वो गलती कर देगा एगो, हाँ तब ना घर पे रिवीजन करेगा तो देखेगा तो समझ में आएगा, अच्छा यू के साथ वाज होता ही नहीं है, ठीक है, इसलिए वो सब लिखते हैं ताकि तुमको याद हो, एक बार दो बार तीन बार लिखेंगे याद हो जाएगा, एक बार तुम खुद से रिवीजन मारेगा याद हो जाएगा, एक बार दोबारा पूरा वीडियो को देख लेना तब भी याद हो जाएगा, हाँ एक बार पूरा रिवीजन कर देना बैठ करके थोड़ा थोड़ा, चौबीसों वीडियो हो गया ना, 24 कहीं कोई बात सब याद नहीं होगा तो याद आ जाएगा,
बेटा तो जो भी नहीं खाए थे वो भी पचा दिया हमारा मिटाने के चक्कर में। आ जाओ। हाँ बड़का बोर्ड लगाना है, वो दिक्कत होता पढ़ाने में मेहनत। एक दिन पूछा मारी ना, एक बार था अगला दिन से हाँ हमारा से आपने तो अपन तुम्हें पूछा मार देना तो नहीं थे। गजब हाल है घर में, जो पूछा मार मम्मी से मारती है तुम अगर एक बार चल दो उस पर तो फिर देख ले तुम्हारा कल्याण है उस दिन। इतना बेइज्जती होगा, इतना बेइज्जती तो तुमको लगेगा कि गधा घर में सबसे गधा हम ही है, सबसे बड़का गधा नहीं होता है। गलती से चल देगा तो बड़ा बूट लगाएंगे, दिक्कत होता है हमको, मिटाना पड़ता है ना। तो इधर लिख देंगे उधर पढ़ाते रहेंगे, उधर लिखेंगे इधर पढ़ाते रहेंगे, तब तक काम चलने देना। काम मैं थोड़ा सा ई पैक करना है, थोड़ा सा वो पैक करना है, देखने में अच्छा नहीं लगता ना, इसको थोड़ा पैक करेंगे, पता नहीं कैसे करेंगे। कभी पढ़ा तेरे बुलाओ हमारे वाज पूरा बताना है। अच्छा लिखते यहाँ एज एम और आर सब बात बता ही देते, देख लो ना। इज हमारा तुमको ना भर्ब होता है, क्या होता है, क्योंकि देखो इंग्लिश का कभी बोले होंगे कि मेन स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले क्या होता है सब्जेक्ट, फिर क्या होता है भर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है तो हो सकता है कि अदर वर्ड्स हो, कुछ और हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब के बाद कुछ रहे ना रहे, लेकिन तुमको कम से कम ये दोनों तो बोलना ही पड़ेगा, तभी ना कोई वो सेंटेंस होगा, कोई बात होगा। जब बोलेंगे डोंट प्ले, क्या बोले डोंट प्ले, डायरेक्टिव वर्ब बोल दिए उसमें, उसमें बोले वर्ब बोले और ऑब्जेक्ट बोले। हाँ डोंट प्ले, नहीं नहीं वो दूसरा स्ट्रक्चर होगा, इंपरेटिव हो गया इसमें जाओ। हाँ मैं खेलता हूं तो बोलेंगे आई प्ले, क्या बोलेंगे आई सब्जेक्ट हो गया, प्ले क्या हो गया वर्ब। इसमें भी इजमार भी वर्ब है तुमको, क्या है तो वर्ब तुमको दो को होता, एगो मेन वर्ब एगो हेल्पिंग वर्ब। कौन कौन वर्ब, तो ये तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा वर्ब है, अगर वर्ब नहीं रहेगा क्वेश्चन में तो ये आ जाता है, काम हो गया, क्योंकि कोई बात बोलने के लिए वर्ब चाहिए, कोई बात बोलने के लिए चाहे मेन वर्ब दो या कौन दो, तो जब मेन वर्ब नहीं रहता तो कौन आएगा, पापा नहीं रहेंगे घर में तो तू भी ना जाके बोलेगा क्या बात है बताइए, हम ये गार्जियन अदमाशी किया तो कूट देंगे, अभी पापा नहीं है पता नहीं चलेगा उनको हम कूटे हैं आपको, ठीक बाद में पापा आएंगे तो हमको कूटेंगे, पहले तो हम आपको कूट देंगे, तो होता ना तुम गार्जियन की तरह बिहेव करता है ना बस, तो ये हेल्पिंग वर्ब गार्जियन की तरह बिहेव करता है, मेन वर्ब की तरह, रियल में मेन वर्ब नहीं है। सर इसका हिंदी क्या निकलता है, तो ये तुमको हो गया कौन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, चलो लिख देते ताकि याद हो जाए तुमको, हेल्पिंग वर्ब शॉर्टकट में एच भी लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, इसका हिंदी होता है और होता है हो, और होता है हो, यही सब हो वाला होगा, कैसा वाला होगा हो वाला। चलो जैसे बोलेंगे कि मैं अच्छा हूं, क्या बोलेंगे मैं अच्छा हूं, है ना जानते हैं, तो मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, ई जो हु का इंग्लिश है यही समझो ई जमा है। अच्छा आई के साथ लगता क्या है, तो ये तीनों अलग अलग चीज है ना, हिंदी एक होता है तीनों हेल्पिंग वर्ब है, यूज अलग अलग होता है। अगर तुमको आई दिख जाए तो आई के गोदी में कौन रहता है, ये बात तो जानते ही हो। अगर तुमको इज लगाना हो तो एक का बात होगा तब इज आएगा, कितना का बात होगा असर, अगर एक से ज्यादा का बात होगा तो हाँ एक से ज्यादा का बात होगा तो आर आएगा, ठीक ना। जैसे बोलेंगे राम का बात होगा तो बताओ इज आएगा कि एम आएगा कि आर आएगा, आए राम एक वो है। अच्छा राम और श्याम का बात होगा तो आए राम दो, राम और श्याम दो, और एक लड़का का बात होगा तो इज, दो को लड़का का बात होगा तो, तीन को लड़का का बात होगा तो, चार को लड़का का बात होगा तो, साढ़े चार को लड़का का बात होगा तो, साढ़े चार को लड़का होगा, होगा ना, एगो भुटवा उसको भूल जाएंगे आए तो, कोई लंबू होगा तो हो सकता है ना, तो ध्यान रखेंगे। चलो तो कितना भी एक से ज्यादा का बात हुआ सारा एक को हो गया तो समझ जाना क्या लगेगा, और पौने एक हो गया तो क्या लगेगा, इज मार लगाना आ गया, एक के साथ एक से ज्यादा के साथ और आए के साथ इज मार खत्म।
हिंदी में कैसा सेंस निकलेगा? हा हू, ये ना होता है। जैसे एग्जांपल में सर, मैं अच्छा हूं, तुम अच्छे हो, वह अच्छा है, राम अच्छा है, मैं खुश हूं, तुम खुश हो, वह खुश है, सब खुश है, सीता खुश है, गीता खुश है, रीता भी खुश है, ठीक है ना। मैं दुखी हूं, तुम दुखी हो, सब दुखी है, यही ना समझा रहा है ना क्या बोले। आ जाओ प्रैक्टिस करवाते हैं। तो पहले किसका बनाते हैं? मैं का क्या होता है? अब इस हो का इंग्लिश लिखते हैं, समझो का है कि सब्जेक्ट के बाद तुमको क्या चाहिए। तो इस क्वेश्चन में ना मेन वर्ब नहीं है। कौन वर्ब नहीं है? जैसे खेलना मेन वर्ब होता है, लिखना मेन वर्ब होता है, दौड़ना मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब नहीं है तो इज हमारा आता है, मेन वर्ब आता तो इज हमारा को छोड़ियो देते, चलता। तो क्या बोलते हैं? हाँ, तो बोलेंगे मैं हूं, तो क्या बोलेंगे? हाँ, पहले बनाएंगे मैं हूं का। किसका बनाएंगे? तो क्या बोलेंगे? आई एम। क्या बोलेंगे? अच्छा का इंग्लिश क्या होता है? दाग दो, हो गया। अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। बोलेंगे मैं अच्छा हूं तो क्या बोलेंगे? आई एम गुड। बोलो जरा क्या बोलेंगे? एक बार बोलो मैं राम हूं, आई एम राम। मैं सोनू हूं, आई एम सोनू। मैं गीता हूं, मैं शाहरुख खान हूं। कहाँ है भाई? देखो ना रे, कहाँ है, कहाँ? हाँ, बोलेंगे मैं अमिताभ बच्चन हूँ, मैं अमिताभ बच्चन। मैं अभिषेक हूँ, मैं अभिषेक। कहीं नाम पूछेगा, व्हाट्स योर नेम? आई एम सोनू। बिंदास बोल सकते हैं, हो जाएगा ना। अपना नाम बोला सोनू मत बोल देना। तो सर आप सिखाए थे सोनू, तो हम अपना सोनू दाग दिए। सोनू दाग देगा कि अपना नाम दागेगा? हाँ, क्वेश्चन करेंगे तो कैसे करेंगे? क्या तो क्या को क्या बोलते हैं? व्हाट, क्या है? व्हाट इज। बोलेंगे क्या है तो क्या बोलेंगे? कौन है? कौन है? हु इज। इज लगाना है ना, इज लगा। कौन है? कहाँ है? वेयर इज। कैसा है? हाउ इज। ठीक है ना। तो बोलेंगे कौन है तो क्या बोलेंगे? कौन है तो व्हाट इज, हु इज। क्या है तो क्या बोलेंगे? आ के नाम लो भाई जी, दिल के व्हाट इज योर नेम, क्या बोलेंगे? आजकल तुम लोग तो कोरिया है ना, क्या चीज है? कौन सा कोरिया दिखा जरा। हाँ, कोरिया ना, तो कोरिया है तो व्हाट इज योर नेम मत बोलो। कोरिया तो व्हाट्स योर नेम। इज को क्या किया? सटा दिया इसमें। यहाँ पे कनीसन एपेस्ट्रोफी लगा दिया, यहाँ पे एस डाल दिया। इसको बोलते हैं व्हाट्स। व्हाट इज का शॉर्टकट क्या होता है? व्हाट्स। किसका शॉर्टकट होता है? व्हाट इज का। क्या बोलेंगे? व्हाट्स। क्या बोलेंगे? एक बार बोलो। क्या बोलेंगे? एक बार बोलो। बोलेंगे आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम। क्या बोलेंगे? एक बार बोलो। क्या बोलेंगे? व्हाट्स योर नेम। आंसर भी दे सकते हैं, आई एम सोनू। क्या बोलेंगे? सोनू बोलेगा ये कहते आई एम अमिताभ बच्चन, वो कहते शाहरुख खान। बोलो व्हाट्स योर नेम। नहीं आंसर देना, देखो इंग्लिश में क्वेश्चन करेंगे तो क्या करेगा? आंसर देगा। बोलो व्हाट्स योर नेम। हाँ, पूरा नाम बोलो, जैसे बोलते हैं ना इसे ऐसे, आमिर साद। बोलो हो गया, यही तो बोलना है। दो बार तीन में बोलेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, वही तो इंग्लिश है। डर लगेगा दो दिन, हमको पता है, धीरे धीरे खुल जाएगा। बोलो नेक्स्ट ऐसे बोलो, आई एम गणेश या माई नेम इज। देखो दो तीन तरीका, या तो बोल दो माई नेम इज, क्या बोल दो? हाँ, या तो ऐसे बोलो, चलो सिखाई देते हैं, आई एम सोनू, एक तरीका हो कि नहीं, बहुत तरीका है। या बोल दो आई, सॉरी माई नेम इज बोलते ना, वो माई, हाँ हेलो, हाँ माई नेम इज बोलते हैं ना। हाँ खुला है। हाँ माय नेम इज, क्या बोले थे? हाँ नाम बोलेंगे ना। हाँ हो गया, ऐसे बोलो या ऐसे बोलो, दोनों एक ही चीज है। क्या क्या बोल सकते हैं? आई एम सोनू या माय नेम इज गणेश। कुछ छापने वाला छापो पहले, और बोलते हैं नमस्ते। हाँ आज खुला बाजा। हाँ हाँ देखो यहाँ भी किसका यूज हो रहा है? इज अमार का। यहाँ भी किसका यूज किया है? ये सब इज अमार का क्वेश्चन है।
ऊपर मिल रहा है ऊपर, इसका हिंदी लिखेगा आपका नाम क्या है, जिसका हिंदी चाहिए मांग लेगा, इसका हिंदी लिखेगा मैं सोनू हूं, इसका निकलेगा मेरा नाम सोनू है, बात एक ही है, बोलने का तरीका जैसे बोलेगा जा रहे हैं एक बात, बोलेगा हम क्यूटी जा रहे हैं, एक बोलेगा कि हम पढ़ने जा रहे हैं, एक के बात हो रहा है। तुम बोलो यू आर बफेलो हजा तो बोल देना थोड़ा सुनेगा वो, आ जाओ कोई बोले बोलेगा हेलो, तुम बोला यू आर, स्पेलिंग ठीक है बफेलो का, देखो रे सही है भैंसी का इंग्लिश तुम भैंस भैंस हाँ हेलो हेलो हाँ आंटी हाँ अच्छा देखे ना आज हो गया क्लास में है हम जाते हैं तो हम आज कर देते हैं ठीक है हाँ लिखा हाँ। अच्छा जैसे किसे पूछना है कि तुम क्या हो, क्या पूछना है तो क्या का इंग्लिश व्हाट होता है ना, हाँ तो बोलेंगे तुम क्या हो तो क्या बोलेंगे व्हाट आर यू, देखो यहाँ पे योर नेम था, योर था तो योर के साथ क्या लगता है यू के साथ क्या लगता है, हाँ ये बात पता होना चाहिए, लोग सोचता है अच्छा सर योर था यहाँ भी आर होता, व्हाट आर योर नेम नहीं होता, हाँ व्हाट इज योर नेम होता, ठीक है यू के साथ फिक्स है कि आर लगता है ठीक ना, क्योंकि यू तुमको सिंगुलर भी होता है यू तुमको पोलर भी होता है, धीरे धीरे आता भी होगा नहीं आता तो बुझ जाएगा क्या दिक्कत, तो बोलेंगे तुम क्या हो तो क्या बोलेंगे तुम क्या हो, तो तुम क्या हो तुम कौन हो दोनों में अंतर है, अगर बोलेंगे तुम कौन हो तो क्या बोलेंगे हु आर यू, देखो आराम से तुम कौन हो तो क्या बोलेंगे हु आर यू, और तुम क्या हो तो क्या बोलेंगे, दोनों में अंतर है क्या है, जैसे पूछ रहा है तुम कौन हो मतलब कहां घर है नहीं है, पापा के नाम कोटला पापा के नाम आ समझ में, लेकिन तुम क्या हो मतलब लड़का है कि लड़की है, गधा है कि गधी है, पढ़ता है कि लिखता है ठीक, चपरासी है कि डॉक्टर है, पोजीशन पूछ रहा है क्या करता है, तुमसे अगर कोई पूछा हु आर यू तो नाम बताएंगे क्या बताएंगे नाम, कि माय नेम इज सोनू या जो भी बोलना होगा तुमको ठीक, लेकिन बोला तुम क्या हो आई एम ए स्टूडेंट, दोनों अंतर है, इन्हीं के इसमें भी नाम बोलते हैं ठीक है, क्या बोलेंगे इसमें आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हो सकता है ना, दोनों लिख देते हैं कहीं तुम छोड़ देगा तो आई एम अ स्टूडेंट, हिंदी हो जाएगा मैं एक छात्र हूं, तुम लोग बोलेगा आई एम अ टीचर, एनीथिंग एल्स व्हाट एवर यू वॉन्ट, मतलब कुछ भी बोल सकता है, आई एम अ बफेलो, और भैंसी से पूछेगा हु आर यू, भैंसी क्या बोलेगा आई एम अ बफेलो, हाँ तो बोलेगा नहीं वो बोलेगा लेकिन तुम नहीं समझेगा ये बोलो ना, वो तो बोलेगा ही, ट्राई करके देखना बस, थोड़ा दूर से बोलना कहीं वो अगर ट्राई किया तुम्हारे साथ तो फिर अगले से तुम ट्राई करने नहीं बचेगा, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना, एक के लथार में तो तुम्हारा गायब, हाँ सीधे तुम्हारा देश चेंज हो जाएगा, कहेगा हम तो इंडिया में थे यहाँ तो पाकिस्तान लग रहा है हमको, ठीक है कंट्री चेंज, ट्राई करना हो तो आना मेरे पास है चार पांच को भेजी सब है, छाप लिया इधर क्या बोलते हैं
देखो जैसे जैसे बोलेंगे कि मैं पागल हूँ, हाँ तो क्या बोलेंगे जरा बोलो, पहले किसका अंग्रेजी मैं का, फिर किसका, फिर किसका, मतलब एक नंबर में किसका, दो नंबर में, तीन नंबर में बन जाएगा। तो मैं का इंग्लिश क्या होगा, हु के लिए क्या लगाएंगे, हु के लगाते हैं कि आई के लिए लगाते हैं, लगता है हु के लिए, लेकिन देख के किसको लगता है, आई को देख के लगता है इसका इंग्लिश, लेकिन देख के किसको लगता है, आई को, आई एम मैड, मैं पागल हूं ना। अच्छा बत याद करो, बोले थे कि अगर पागल नहीं है तो तुम क्या बोलेगा, आई एम नॉट मैड, किसके बाद नॉट लगाते हैं, एम के बाद, एम क्या है, कौन भर, हेल्पिंग वर्ब। अगर निगेटिव बनाना हो तो किसके बाद नॉट लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव मतलब नहीं वाला बात हो जाएगा। तो मैं पागल हूँ और नहीं वाला में क्या हो जाएगा, मैं पागल हूँ कि नहीं हूँ, आई एम नॉट मैड, आई एम नॉट मैड, ये नहीं होगा। अच्छा ये तो एम पे था ना, किस पे था, एम पे था ना, दोनों क्वेश्चन इधर मिटाते हैं। अगर इच पे रहता तो एम पे था ना, इच पे दिखते हैं, जैसे बोलेंगे इच पे रहेगा तो क्या बोलेंगे कि वह पागल है, वह पागल है, नहीं डैट को भूल जाओ, दिस डैट कॉन्सेप्ट कल देंगे, हाँ ही का यूज करना, अभी किसका यूज करना है, ही का, तो वह का क्या हो जाएगा, ही, है का क्या हो जाएगा, पागल का बताना पड़ेगा, पागल ही है तो क्या दिक्कत है, हाय पागल तो कौन है, डाउट है, हाँ आया समझ ना, वह पागल है तो क्या बोलेंगे, इज मैन, इज भी क्या हेल्पिंग वर्ब है, एम भी क्या था, तो बस ये हु का अंग्रेजी था एम, ये हे का अंग्रेजी है इज, लेकिन ही को देख के आता है, अगर यहां पे यू आ जाता तो यहां पे क्या आता, आर आता, यहां पे आई आ जाएगा तो यहां क्या आएगा, बात समझ में आ रहा ना। अच्छा इसका निगेटिव बनाएंगे नहीं वाला तो कैसे बोलेगा, इज नॉट मैड, वो पागल है या नहीं है, वो पागल नहीं है, तो वह का क्या हो जाएगा, ही, अच्छा लड़की रहती तो क्लियर है, ही के साथ इज की एम की आर, ही नहीं के लिए क्या लगाते हैं, नॉट, अब पागल का बता दिए तो पागल को थोड़े बताना पड़ता है कि तुम पागल है, बुझता है कि हम पागल है नहीं है, है तो बता रहता है, नहीं पूछा है, पूछ के रखना, पूछ के रखना एक बार, आप पागल छे की, आर यू मैड, बता देगा 5 मिनट में, बता देगा 2-4 चमटा खींच देगा, आते छूट जाएगा पूछने का, पूछने का आते छूट जाएगा, पागल है कि नहीं, आ जाओ देखिए, इस समझ में आ रहा ना, एम भी समझ में आ रहा है, एक और एग्जांपल देखते हैं, किसका, आर वाला, क्या बोलेंगे जैसे, हाँ तुम पागल हो, एक नंबर गधा कहीं का, क्या बोलेंगे, यू, यू के साथ क्या लगाते हैं, आर, अब पागल का क्या होता है, मैड, यू आर मैड, अब बोलेंगे नहीं 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 तुम पागल नहीं है, बस हो गया, नहीं ठीक है, वो मेड हो जाता है, आ जाओ एमएडी मेड का मतलब पागल, और एमएडी मेड का मतलब ये वर्ब का दूसरा रूप है, वर्ब का हाँ बनना होता, बना वो तो मेड होता है, एमएटी रे चटाई, एक बार मेट होता है, एम ए टी मेट, संगी साथी, हमको तुम मत टोका करो, मेट संगी, तो बहुत बात तुमको लेना पड़ जाएगा, कुछ ज्यादा पढ़ना पड़ जाएगा तुमको, फिर मेट, एम ए टी मेट का मतलब संगी साथी होता है, हाँ मेट का स्पेलिंग ठीक है ना, वो गलती है स्पेलिंग, मैट होना चाहिए यहाँ पे, हाँ एम ए टी मैट होता है चटाई, एमएटी मेट, मेट का मतलब क्या होता है, संगीत साथी, दोस्त यार, उसे वो क्या बोलते हैं,
मेक। अब देखते इससे कैसे मीनिंग बनता है, दिखाएं वोकैब कैसे बना। अगर यही संगीत साथी तुम्हारे क्लास में है तो क्लास को कर दो क्लासमेट। आया समय? देखो वोकैब कैसे बन रहा है, मेट का मतलब दोस्त यार, संगी साथी। अब क्लास में है क्लासमेट, अब वही दोस्त अगर स्कूल में चला गया तो स्कूलमेट, अगर वही दोस्त मेरा कोचिंग में घुस गया तो हाँ कोचिंग मेट, ठीक है ना। अगर वही तुम्हारा रूम में घुस गया तुम्हारे साथ है होममेट, अच्छा सॉरी रूममेट ना, अब कहाँ चल गया था, रूम में घुस गया ना रूममेट। ऐसा समझ कैसे बनता है, बस एक मेट से ही तो बनता है सब मेट। तो क्लास का वर्क का साथी क्लासमेट, स्कूल का दोस्त स्कूलमेट, और कोचिंग का दोस्त कोचिंग मेट, रूम का दोस्त रूम में पार्टनर रहता है, तुम कोचिंग गया खाना गायब ना, खाना गायब हो जाता है खत्म, चाप गया होगा कि रुक रहेगा, तुम आएगा तो चापेगा ना ना। अरे गोता लंगोटिया यार, बचपन का दोस्त नहीं बोलते हैं, लंगोटिया है बचपन से साथ घूमता फिरता है उसको चम बोलते हैं, चम बचपन का दोस्त लंगोटिया यार। कौन यार है लंगोटिया यार को है क्या, सुन अपना गांव के भाषा में चली ना तो गांव के भूल जाए भी ना, लंगोटिया यार बचपन में साथ रहता है घूमता फिरता है बोवाता है बस, चम सी एच ई एम चम बचपन का दोस्त। जैसे किसी को बोलेंगे इसमें ई छोड़ दिए क्या, तुम पागल नहीं हो, पहले पूरा कर लो कम से कम, तुम पागल नहीं हो तो कैसे बनेगा, हाँ यू आर नॉट मैड, ओके ये हमारा कॉन्सेप्ट आ रहा है समझ में ना। हाँ चलो जैसे बोलेंगे कि वह मेरे बचपन का दोस्त है, वह मेरे बचपन का दोस्त है क्या बनेगा, तो देखो पहले बना वह है का क्या होगा, ही इज बचपन के दोस्त का, हाँ मेरा मेरा का ना माय, मेरा का माय, बचपन के दोस्त का इज माय चम चम चमा चम, हाँ नहीं मन भर चम चमा चम कहते ना, तीन बार बचपन का दोस्त हो जाएगा काफी है, इज माय चम वह मेरे बचपन का दोस्त है, मतलब वह मेरा लंगोटिया यार है, इसका इंग्लिश बनेगा ये इज माय चम, हाँ हाँ वो गला है तो सब इतने चीले लगे सी बात के। क्लास हो गया क्या, वो तो खत्म क्वेश्चन बोल दे तब दोबारा बोल दे, चलो चलेगा इजमार याद रखना, इजमार वाज वेयर शैल बी विल बी, तीन चीज बोलेंगे देखो कल तक हो जाएगा, तीन चैप्टर बोलेंगे पूरा बात सब, उसके बारे में जितना बात हमको याद आएगा सब बात बोल देंगे, इजमार वाज वेयर और क्या बोलेंगे शैल बी और विल बी, लो तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा इसी में, शैल बी और विल बी ये तीन चीज बोलेंगे, हाँ लिखी ना देखो सोनू मेरा लंगोटिया यार है, सोनू मेरा लंगोटिया यार है, सोनू मेरा लंगोटिया यार है, हाँ वह पागल है, वह पागल है, और उसी में और उसके पास दिमाग भी नहीं है, नेक्स्ट वह मेरी रूममेट है,
वह मेरी रूममेट है, सी इज माई रूममेट, वह मेरी रूममेट है। उसके बाद तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो, मैं पागल नहीं हूं, आई एम नॉट मैड, मैं पागल नहीं हूं। तुम कौन हो, हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू। मैं अमिताभ बच्चन हूं, आई एम अमिताभ बच्चन। तुम क्या हो, व्हाट आर यू, तुम क्या हो, व्हाट आर यू। मैं टीचर हूं, आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूं, आई एम अ टीचर। मैं गरीब हूं लेकिन, मैं गरीब हूं लेकिन तुम अमीर हो। लेकिन का इंग्लिश बट, मैं गरीब हूं लेकिन तुम अमीर हो। आई एम पुअर बट यू आर रिच। पता नहीं वो कौन है, पता नहीं का गॉड नोज या आई डोंट नो होगा ना, पता नहीं वह कौन है, गॉड नोज हु इज ही, पता नहीं वो कौन है। मैं तुम्हारे क्लास में हूं, आई मीन योर क्लास, मैं तुम्हारे क्लास में हूं, क्लास में हूं, आई एम इन योर क्लास। मैं 12वीं क्लास में हूं या मैं 11वीं क्लास में हूं, 11th का, मैं 11वीं क्लास में हूं, आई एम इन क्लास 11। क्या बोलेंगे, आई एम इन क्लास 11। बाकी जो रहेगा अपना बोल देगा, क्लास 12, क्लास BSc Part 1 Part 2, जो भी बोलना होगा अपना। तुम कहां हो, वेयर आर यू, अभी मैं क्यूटी में हूं, राइट नाउ आई एम इन क्यूटी, अभी मैं क्यूटी में हूं, अभी मैं क्यूटी में हूं। वह घसकल है, हिज मूनस्ट्रक, वह घसकल है, हिज मूनस्ट्रक। वह घसकल है, नाउ मिस अभी, राइट नाउ का मतलब अभी तुरंत, काफी है, इतना ही रन दो, जितना पढ़ा उतना पढ़ के आना।